गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज की क्लास क्लास 11 हॉर्नबिल लिटरेचर टेक्स्ट बुक क्लास 11th का लेसन सेकेंड, वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। लेसन में जो पार्ट की हेडिंग उसका मीन्स वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से कभी डरते नहीं। इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर, अगर हम सभी साथ साथ हों। इस पार्ट के ऑथर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, यानी इस लेसन को दो लेखकों ने मिल करके लिखा है, पहले गॉर्डन कुक और दूसरे एलन ईस्ट। अबाउट द ऑथर, गॉर्डन कुक के बारे में जाने। गॉर्डन कुक इज अ कनेडियन ओलंपिक सेलर, ये एक सेलर थे, सेलर नाविक जो समुद्र में यात्रा करते हैं समुद्री जहाज़ द्वारा, उसे सेलर कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 3rd December, उनका जन्म 3 दिसंबर 1978 एट टोरंटो इन कैनेडा, उनका जन्म 1978 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था। ही वुड सेल फॉर द रॉयल कैनेडियन याट क्लब, वह एक रॉयल कैनेडियन याट क्लब में तैराकी की थी। एलन ईस्ट वॉज, यहाँ देखें गॉर्डन कुक और ये सेकेंड जो एक और ऑथर हैं उनका नाम है एलन ईस्ट। एलन ईस्ट वॉज बॉर्न अ लीगल ट्रेनर, ही वॉज बॉर्न ऑन 18th November, उनका जन्म 18 नवंबर को हुआ था। 1923 एट ईस्ट डेरी इन न्यू हैम्पशायर, उनका जन्म न्यू हैम्पशायर में 18 नवंबर 1923 को हुआ था। ही फाउंडेड अ मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमी एकेडमीज ट्रस्ट, वह उन्होंने एक मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट नाम की संस्था की स्थापना की थी, फाउंडेड स्थापना की थी। अबाउट द लेसन, आए बच्चों इस पाठ में, पाठ के संक्षिप्त विवरण को जाने। अ बिजनेस मैन हु वॉज 37 years old एंड हिज वाइफ हैड अ ड्रीम, एक व्यापारी जिसकी उम्र 37 वर्ष और उसकी पत्नी, जिन्होंने एक स्वप्न देखा था। दे वॉन्टेड टू अंडरटेक द सेम वॉयेज राउंड द वर्ल्ड एज द एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक अंडरटुक 200 years ago। उन्होंने ऐसा एक स्वप्न देखा था जिसको 200 वर्षों पहले जेम्स कुक ने 200 वर्षों पहले पूरे संसार की यात्रा तैर करके संसार की यात्रा करने का निश्चय किया था। यानी उस यात्रा को ये दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलकर दोहराना चाहते थे। कैप्टन, इन दिस लेसन, इस पाठ में लेट अस रीड, आइए पढ़ें, आओ पढ़ें, हाउ अ माइटी वेव ब्रोक ओवर देम, कि इस पाठ में जाने की जो शक्तिशाली समुद्र की लहरें, उन्हें कैसे परेशान किया या नष्ट करने का प्रयास किया। एंड डैमेज्ड द शिप, और उनके जहाज को भी नष्ट कर डाला। बट दे स्ट्रगल ऑन एंड वर शेव्ड, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और किसी न किसी तरह बच निकले। देखें यहाँ पर एक बिजनेसमैन और उसकी पत्नी होती, जैसा कि अभी संक्षिप्त में बताया गया,
पैसेज फर्स्ट में देखें, इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन, सिक्स डॉटर सुजानी 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक 1976 की जुलाई में मैं और मेरी पत्नी, मेरा पुत्र जो 6 वर्ष का जोनाथन और मेरी पुत्री 7 वर्ष की जिसका नाम सुजानी एंड आई सेट और मैंने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से दूसरी बार यात्रा करने के लिए, संसार की दूसरी बार समुद्री यात्रा करने के लिए, जिसको 200 वर्षों पहले जेम्स कुक ने किया था, उसको दोहराने का प्रयास किया। डुप्लीकेट मीन्स दोहराना होता है या डबल प्रति होती है, दूसरी कॉपी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय तक मैरी और मैं आज 37 ईयर ओल्ड बिजनेस, दोनों लोग 37 वर्षों तक हम लोग बिजनेस यानी व्यापार करते रहे, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर और एक प्रसिद्ध तैराक के रूप में हमने स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स और 16 वर्षों तक वी हैड स्पेंट, हमने अपना समय बिताया था, ऑल अवर लेजर, अपना सबसे मूल्यवान रिक्त समय, लेजर मीन्स रिक्त या अवकाश का समय, ओनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स, समुद्री कुशलता को, इन ब्रिटिश वाटर्स, समुद्रों में, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के समुद्र में समुद्री यात्रा की कुशलता को दोहराने का प्रयास किया। ये वाटर्स मीन्स समुद्र होता है, वाटर मीन्स पानी और वाटर्स मीन्स समुद्र। पैसेज नंबर सेकेंड, पैसेज सेकेंड, आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर, हमारी जो बोट यानी नाव थी वेव वॉकर जिसका नाम था, 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, जो 30 टन कास्ट की यानी लकड़ी की बनी हुई एक सुंदर नाव, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको व्यवसायियों ने बनाया था, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और जिसको हमने महीनों से फिट करने के लिए अपना समय खर्च किया था, आउट एंड टेस्टिंग इट, और इसके परीक्षण के लिए, इन द रफेस्ट वेदर यानी सबसे तूफानी मौसम में, वी कुड फाइंड, जिसको हमने प्राप्त किया था। पैसेज थर्ड, द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लानेट प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, यानी केप टाउन सॉरी